अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस किए, बहुत सारे कमेंट्स किए कि आपको डॉक्टर जरका की बातें बहुत समझ आई एंड यू रियली, मैं खुद उनसे इतनी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। दिया तो डॉक्टर जरका इज विद अस। मैं इनको एक्चुअली ये बता रही थी कि हम आपसे दो तरह की करते हैं, एक तो आप बिकॉज यू आर अ डॉक्टर आपसे प्रोसीजर्स हम करते हैं, दूसरा जो लोग दूर हैं, मुल्क से बाहर हैं, बल्कि इंडिया में हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो आपका पूछ रहे थे, कहते हैं पाकिस्तान आना है आपसे प्रोसीजर कराने के लिए, तो उनका हम कुछ ऐसे रेमेडीज भी आपसे पूछ के बता देते। तो आज हम आपसे पहला जो हम क्वेश्चन है, जो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये कि समर आ गई। अच्छा, गर्मियों में ना लोग कहते हैं कि जी पानी इज गुड इनाफ, कि आप पानी बहुत ज्यादा पिए, पानी बहुत ज्यादा पिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हमें पसीना आता है तो पानी के साथ और बहुत कुछ आता है। तो हाउ टू कीप आर बॉडी एंड आर स्किन हाइड्रेटेड इन समर? जबरदस्त सवाल है आपका। और हमारे पाकिस्तान और इंडिया और गर्म इलाके हैं तो बिल्कुल बहुत जरूरी है। देखिए, पानी तो फिर भी पानी ही है, पानी वी मस्ट ड्रिंक। 2.5 लीटर डेली आप जरूर पिए। और जब आप अगर धूप में जाते हैं और आपका पसीना निकलता है तो फिर उसमें नमकियात भी निकलती हैं, तो जो ORS होता है, जो हम 20-25 रुपए का जो पैकेट मिलता है, वो बेहतरीन होता है। उसमें थोड़ी चीनी होती है, थोड़ा नमक होता है और खास तौर पे पोटेशियम होता है, तो वो अगर आप डाल लें और उसमें थोड़ा सा नींबू डाल लें। वैसे तो आजकल फ्लेवर्ड ORS आता है, तो दैट इज वेरी वेरी गुड। तो वो इसीलिए नींबू पानी बहुत अच्छा है, जो अच्छा, हम नींबू घर पे नींबू पानी पानी जो बनाते हैं वो बहुत अच्छा है। भी? और उसमें थोड़ा सा आप लाहौरी काला नमक डाल लें तो अच्छा फिर पार्टी होगी आपकी। फिर अच्छा आपका, अब वैसे तो बहुत से ड्रिंक्स बाजार दुनिया में मिलते हैं जो कि आपका पसीना जितना निकलता है उसके मुताबिक। तो ये नॉर्मली वो ड्रिंक्स है जो एथलीट्स हैं, जो लोग धूप में रहते हैं, जिनका पसीना बहुत निकलता है, वो ये लेंगे। अगर आप और मैं, अच्छा, गेटोरेट टाइप भी कुछ होते हैं हाँ, ना जो लेकिन मैंने। मैं हमेशा घर की बनी हुई चीज, 100 दर्जे बे 1000 दर्जे बेहतर है बाजार की चीज से, क्योंकि बाजार की चीज को शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें कोई ना कोई केमिकल हाँ, जरूर डलता है। प्रिजर्वेटिव्स होते तो हैं। इसलिए अगर आप घर पे लीमू पानी बनाएं, घर पे आप आजकल कच्चे आम हैं, केरी का शरबत बनाएं, तो या फालसा है, फालसे का शरबत बनाएं, सत्तू? सत्तू, 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 बिल्कुल सत्तू इज ऑल्सो वेरी गुड। अच्छा, और जो गर्मियों का जो ड्रिंक बहुत अच्छा है वो है लस्सी। लस्सी से बेहतरीन कोई चीज नहीं है गर्मी के लिए, क्योंकि लस्सी हमेशा घर की बनी हुई दही मोटे की तो है। नहीं हो जाते ना लस्सी से, ये ना हो कि तो फिर? आप दूध वाली लस्सी ना पिए। अच्छा, हम तो जो लस्सी हाँ, बनाते हैं, इतना सा दही, ठीक है, बाकी पानी, ओके। अच्छा, उसको आप ब्लेंड करें, बर्फ डालें, नमक डालें या चीनी अब ये डालें। देखें, इन्होंने मुझे इस बात पे इंटरप्ट किया था कि नहीं, हमें बहुत तारीफ है कि नहीं, शी इज अ पर्सन के वो किसी टॉपिक पे इनसे पूछ लो। अब लस्सी का इन्होंने जो बताया है, आई एम गोइंग टू डू दैट, इतना सा दही और फिर बाकी सारा पानी, पानी ब्लेंड करें उसको, तो एंड इट्स गुड। जबरदस्त ही बन जाएगी। और वाह। लस्सी के इतने फायदे हैं, क्योंकि आपका जो गर्मियों में, ये हमारा ट्रेडिशनल ड्रिंक है, आपका जो गट है उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, प्रोबायोटिक्स का नाम तो आपने सुना होगा ना। आजकल हर आदमी, जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं, वो हाँ। हर बंदा कहता है जी मैं ओमेप्राजोल खा रहा हूँ, मुझे एसिडिटी है इसलिए मैं दवाई खाती हूँ। भाई, आपको जरूरत नहीं है इन दवाइयों की। अगर आप लस्सी रोजाना पिए, एसिडिटी नहीं होगी? आपको एसिडिटी नहीं अच्छा, होगी। ये मैं थोड़ी सी सादा अल्फाज में बता दूँ, क्योंकि मेरे पास तो लोग आते रहते हैं ना, ये जो मादे मैं जो स्टमक की गर्मी है, मादे की जो गर्मी होती है ना, वो जो आप कहते हैं कि जी हमने दवाइयाँ बहुत सारी खा ली हैं, तो उसके लिए आप दोबारा केमिकल दवाइयाँ ना खाएं। डॉक्टर जरका ने कहा है कि आप ये जो लस्सी उन्होंने बताई है, दही की लस्सी, आप ये पिए, आपके मैदे की गर्मी ठीक हो जाएगी। बहुत अच्छी हो जाएगी वाह, दैट्स अ गुड रेमेडी। और उसके बाद सो जाए। अच्छा, मुझे लस्सी से गर्मियों नींद में नहीं तो आती। देखे दोपहर को लस्सी तो पावन पावर नैप इज ऑल्सो इट है, बहुत हेल्प्स। अच्छा है। देखे, जितने भी दुनिया में गर्म मुल्क है वहां पर लोग दोपहर को सिएस्टा, स्पेन में होता है, गर्म मुल्कों में लोग दोपहर को 15-20 मिनट, चले आधा घंटा सोते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा है। उससे आप रिजुविनेट भी हो जाते हैं, लस्सी पी के आप सो जाएं, उसके बाद उठ जाएं, नया दिन शाम फिर लीमू को। पानी, तरबूज, फल तरबूज ऐसे तो हैं, जबरदस्त, और आजकल गर्मा इतने अच्छे तरबूज वो आए हुए हैं, फल आए हुए हैं। तरबूज है, फिर वो छोटा गर्मा जिसको हम कह रहे हैं आजकल, जो पीले रंग का हाँ हाँ है, हाँ हाँ वो इतना जबरदस्त है। गर्मा छोटा कैसे हो गया वैसे, वो है कहते हैं उसको गर्मा, मुझे नहीं पता, ना? आपको पता है पहले तो हमारे इतना सर बड़ा बड़ा सा होता था। अंग्रेजी में तो उसके बड़े बड़े नाम है ना, वो रॉक मेलन और वाटर अच्छा। मेलन और वो ग्रीन मेलन और येलो मेलन, लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं जी ये छोटा हाँ गर्मा आ गया हाँ मैंने इसी सीजन में देखा छोटा गर्मा, है ना, लास्टिंग आपने तो इतने देखा बड़े बड़े से थे। ना। हाँ, एग्जैक्टली।
तो अब आपको पाकिस्तान में, पहले तो बाहर मुल्कों में मिलता था, फार ईस्ट आप जाते थे, अब यहाँ पर भी पीला गर्मा जो भी आप उसको कह लें, ग्रीन भी है जो रॉक मेलन है, और फिर तरबूज है, और फिर गर्मा सफेद रंग का। तो अल्लाह ताला की इतनी अच्छी नेमतें आपको मिलती हैं, और ये अगर आप खाएं, मैं तो सुबह निहार मुंह जरूर इनमें से कोई एक चीज लेती हूँ। अच्छा, खाली पेट? खाली पेट अगर आप सुबह फ्रूट खाएंगे तो हाँ, वो आपके जिस्म के लिए बहुत अच्छा है, और ये सब यही एडवाइस करते हैं कि फ्रूट का टाइम सुबह होता है, उससे आपका मैदा साफ होगा, आपको मतलब आप फ्रूट खाएंगे पानी पियेंगे तो आप यूल गो टू द बाथरूम, आपका जो डेली का मोशन है वो सुबह साफ सुथरा आपका हो जाएगा। सो इट्स वंडरफुल, आप अपना दिन इस तरह स्टार्ट करें गर्मियों में, तो गर्मियों में वैसे भी इतनी गर्मी लगती है कि आपका कुछ सॉलिड चीज खाने को दिल नहीं करता ना। अच्छा, पानी भी आपने कहा था, तो पानी भी एक हद तक ही पी सकते हैं, और राइट कि आप उसके अंदर पे ड्रिंक बना लें। अच्छा, नींबू पानी से मोटे तो नहीं हो जाएंगे ज्यादा पीने? तो आप चीनी ना ना डाल, अच्छा, तो फिर खट्टा नींबू काला पानी, नमक डाल लें थोड़ा सा, तो कम नींबू डालें ना। हाँ देखें जो ये गेटोरे छेटोरे जो होते हैं ये, हाँ हम तो जो वो नींबू पानी पीते हैं, वो हाँ, तो नींबू पानी, कड़ाके का होता है ना, हाँ, मीठा और नमक बराबर, एग्जैक्टली, वो बराबर वाले काम ना ना करें। अगर आपने वजन अपना कंट्रोल करना तो फिर जिस तरह लेमन वाटर होता है, इतने बड़े जग में आप एक नींबू का वो डाल देते ठीक हैं, है। वो भी तो होता है ना, जो अच्छा, does वाटर it हम really पीते हैं, work? I इट thought डज it was सिर्फ वर्क। देखने के लिए वो वो, जो इन्फ्यूजन वाटर्स हाँ होते हैं हाँ जिसमें आप एक जग लेके yes, exactly. 1 लीटर या 1.5 लीटर पानी में आप आधा नींबू काट के डाल दें, बस आधा ही डाल देना, एक और नींबू के उसको ऐसे वैसे निचोड़े नहीं, निचोड़े नहीं आप, उसके बीच में आप पुदीने के 2-4 पत्ते डाल ठीक दें, है, थोड़ा थोड़ा डालें, हाँ, फिर आप वो पानी पिए अबाउट 1 घंटे के बाद या इस तरह से, तो उसके अंदर इन्फ्यूज जो चीजें हैं ये भी निहार वो पीने के लिए बहुत अच्छा है, तो उससे आपकी बॉडी में बहुत अच्छी एडिशन होंगी और आपका बैलेंस होगा, बॉडी का पीएच वही तेजाबियत जो आपको होती है वो उससे बेहतर होगी। अच्छा, गर्मी में अभी हमने कहा कि हमने ड्रिंक्स में सत्तू हो गए, हमारे ORS आपने एक बड़ा जबरदस्त हमें बताया, नींबू पानी हो गया, लस्सी का तरीका बता दिया, फालसे का शरबत, केरी का शरबत, ये हाँ, हमारे हमारे सकाफत का हिस्सा है। केरी का शरबत मैंने नहीं दिया, कभी फालसे नहीं तो दिया, नहीं, मैं आपको बना के चलो लाऊंगी, फालसे का तो मैं बहुत शौक से, नेक्स्ट वीडियो हम उसको बनाएंगे, ठीक हाँ, है, आपकी, आपको पता है, वैसे मैं आपको बिल्कुल बता ठीक है। दूं कि मुझे, मैंने आपका घर में, इनके घर में, इनके घर को दिखाने नहीं गई थी, मैं मैडम का इंटरव्यू लेने के लिए गई थी, बट आई वॉज सो ओवरवेलम विद योर हाउस, एवरी बिग आर्किटेक्ट आई नो ही कॉल्ड मी, अच्छा, आपके पता नहीं कितने केज में व्यूज हैं माशाल्लाह आपके घर के, तो वो बड़े लोगों ने आपका घर, और पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग दैट, लोगों ने आपके घर को भी फॉलो करना शुरू किया। अच्छा, ये तो, हम ना अब आपके घर पे, आपके किचन में ना ये जो चीजें आपने बताई है ना, वो हम एक दो ड्रिंक जरूर आपके साथ बनाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, और इसके साथ मुझे बताएं कि डेली रूटीन के अंदर, गर्मियों के अंदर कुछ लोग कहते हैं वो सी कैल वर्सेस कैल्शियम प्लस प्लस वो होता है विटामिन सी, वो भी इस तरह से हम कोई विटामिन भी ले सकते हैं? देखें मैं तो वैसे बेसिकली तो बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ गोलियाँ खाने के, आप अल्लाह ताला की जो इतनी नेमते हैं उनको खाएं, उनसे आपको कैल्शियम भी आएगा, सी भी आएगा, सी लीमू से बेहतर सी का क्या सोर्स है, विटामिन सी फ्रेश लीमू, आप ऑर्गेनिक चीजों पे रखना चाह रही हैं? नहीं तो हमें होना ही चाहिए ऑर्गेनिक, ठीक है ना, जब आपके सेहत खराब हो गई है, आपका कुछ बन नहीं रहा, तो फिर आप गोलियां खाएं, बट मैं तो खुद भी नहीं खाती। अच्छा, आप कम गोलियां खाती हैं? मैं तो कोई विटामिन नहीं खाती, मतलब कभी कोई बहुत मसला हो जाए तो मैं 4-5 दिन। अच्छा, आजकल तो कोलेजन की भी गोलियां बनी हुई है कि कोलेजन खाओ तो वो, तो लास्ट टाइम आपको याद है हमने डिस्कस किया था कि कोलेजन का बेहतरीन सोर्स है आप ब्रोथ बनाएं, हड्डियों का सूप बनाए, 6 घंटे उसको हल्की आंच पे पकाए, हड्डियां बड़े गोश्त की बड़ी बड़ी हड्डियां लेके, और 6 घंटे के लिए उसको मिट्टी की हांडी में आप पकाए, और क्या जबरदस्त ब्रॉथ बनेगा, फिर वो पिए दिन में 2 मग, एक सुबह एक शाम। और अगर आपने अपनी हड्डियां ताकतवर करनी है तो बेहतरीन चीज है वर्जिश, आप जितने मर्जी गोलियां बाजार से खा लें और अगर आप वर्जिश नहीं करते तो आपकी कोई जिस्म में हड्डी स्ट्रांग नहीं है, यू हैव टू एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका कैल्शियम आपकी हड्डियों में एंटर करता है, ओके, दैट इज द ओनली वे, बट खुराक आपकी अच्छी होनी चाहिए, लस्सी पिए उसमें कैल्शियम भी आ जाएगी, और आप लीमू नचोड़े खाने के ऊपर या जो जिस तरह इन्फ्यूज करके पिए, नेचुरल चीजों को अच्छा, इस्तेमाल करें। अच्छा, हम सीजनल बात करें और गर्मी की हम आपसे बात करें, और फिर जब खाएंगे तो थोड़ा मुंह पे भी लगा लें, क्या क्यों नहीं, देखें तरबूज खाया तो मुंह पे भी लगा ले, लगा सकते हैं ना, क्यों नहीं लगा सकते, तरबूज हाँ क्यों,
इट विल गिव इट विल हाइड्रेट योर स्किन. इट्स द अगर आपने क्विक घर पे हाइड्राफेशियल करना है, आप अपना बिजनेस खराब कर रही है वैसे. लेकिन बात सुने, मजाक कर रही है. अल्टरनेटिव बिजनेस तो देखें, अल्लाह की रिजक अल्लाह ताला की देन है. कोई दुनिया की ताकत ना आपसे ले सकती है ना आपको दे सकती है. बट योर हाइड्राफेशियल इज रियली टू गुड, टू गुड. वो तरबूज इसका मुकाबला नहीं कर सकता. लेकिन अगर कोई नहीं कर सकता, जो भी फल लगाए, केला भी खाए तो भी मुंह पे लगा ले. हाँ, लगाए, पी लगा ले. पर हर फल का जो असर होगा वो फर्क होगा ना. तरबूज से हाइड्रेट होगा, केले से क्या होगा. केला इज वन ऑफ द बेस्ट. आपको शाइन देने के लिए केला बहुत जबरदस्त है स्किन को. हाँ, जबरदस्त. लेकिन केला गलावा होना चाहिए. जो केला इतना सा केला आपको चाहिए, वन थर्ड ऑफ द केला. मैं तो मेरे मुलाजिमों से लड़ती रहती हूँ गले में केले लेकर आओ, लेकिन इसका भी फायदा है. गले में केले को आप मैश करके, वो अगर ही मैश हुआ होता है, ठीक है, उसको आप फेस पे लगाएं थोड़ी देर के, मास्क की तरह. फिर आप देखें जब उतारेंगे तो क्या जबरदस्त शाइन आई होगी. ये वैसे ना मैंने ना सोचा है कि ये जो आपने दो तीन चीजें बनाई ना, उसमें तो मेरी पूरी पूरी यूट्यूब की वीडियो बन जानी थी. आपने भी जल्दी बना ली. बट अगेन मैं ये केले वाली चीजें और ये तरबूज और ये फलों वाली चीजें ना, मैं इसकी सेपरेट एक वीडियो भी करूंगी और वो अल्फाज इनके होंगे, शक्ल मेरी होगी. बट आई विल डू इट बिकॉज दीज आर वेरी बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन है. अच्छा, द लास्ट बट नॉट लीस्ट, अच्छा आपने ये तो हमें बता दिया, बस हमें एक छोटी सी बात आपने और बतानी है कि खाने में सब्जियां कौन सी स्किन के लिए गर्मियों में अच्छी. जबरदस्त सवाल है आपका. अब लेकिन आपके फॉलोअर्स क्या ये करेंगे? ये बस सब करते हैं, करते हैं. मेरे फॉलोअर्स सारी आपकी बातें मानते हैं. बहुत अच्छी बात है. तो सब्जियां जो है, तो गर्मियों की सब्जियां तो बहुत ही आला, टींडे really? बेहतरीन सब्जी. अच्छा, टींडे मीठे होते हैं, जूसी होते हैं, इतने मजे के होते हैं. मजे के तो नहीं होते टींडे, जब भी बनाती थी ना, छोटे जो देखिए आप पकाए ना. अच्छा, देखें आप टींडों को, जो देसी टींडे ले लें, हाँ, उनको आधा आधा करें, ठीक है, और थोड़ा सा प्याज ले लें, और एक डिपेंडिंग अपॉन कितने टींडे हैं आपके पास, मतलब आधा किलो टींडे हैं तो आप दो एक प्याज ले लें और दो टमाटर ले लें, और उनको काट के आप टमाटर प्याज और टींडे हल्की आंच पे ढक्कन रख के मिट्टी की हंडिया, ओके, ठीक है, आप उनको रखें और 15-20 मिनट के बाद आपके टींडे तैयार होंगे. थोड़ा सा नमक और नमक डाल लें, और टींडे खाने से अगर आपने लाल मिर्च डालनी है तो थोड़ी सी लाल मिर्च डाल लें. और अब जब आप ये खाएंगे, इसमें कोई घी नहीं है, हाँ, exactly. ठीक है, तो ये आपकी डाइट के लिए भी बहुत अच्छा है. आपके अंदर फ्लूइड्स भी जाएंगे, विटामिंस भी जाएंगे, और यू विल फील सो फ्रेश. क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, जिस तरह आप और मैं काम करते हैं, जब हम थक के बैठते हैं खाना खाने के लिए, तो हम जब खाना खाते हैं उसके बाद हम उससे ज्यादा थक जाते हैं, और फिर हम नींद आ जाती है ना, और फिर हम किसी काम के काबिल नहीं रहते. तो अगर आप ये टींडों वाला खाना खाएंगे तो इसके बाद आप री एनर्जाइज हो जाएंगे, या आप वो लेट नहीं जाएंगे. सो दिस इज, ये वो सुपर फूड्स हैं जो आपको एनर्जी देते हैं. दे डोंट टेक योर एनर्जी अवे, दे गिव यू एनर्जी. टींडे हो गए और कद्दू. कद्दू, कद्दू इज वेरी गुड. अच्छा, कद्दू का तो आप बहुत अच्छा, वो हम एक वो बनाते हैं कद्दू का रायता. आ रही हूं मैं, आ जाए, आ जाए, किसी दिन ये सारी चीजें हम बना लेते हैं. सीरियसली ये बड़ा अच्छा हो जाएगा इसका, जबरदस्त हो जाएगा. कद्दू का रायता, ठीक है. कद्दू को आप कद्दूकश करके उसको आप सिर्फ तवे पे थोड़ा सा जीरे के साथ ट्राई करने, ट्राई ना करें, गर्म कर लें, उसके बीच में आप फिर दही बना लें, दही के नमक मिर्च उसमें आप डाल लें, जितना आपका हस्बैंड चाहेगा. अब आपके घर में ना मेरी टीम सारी सुन रही है, बिकॉज़ आई एम नॉट किडिंग, आपकी ये जो बातें हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये बहुत फायदा दे सकती है. एब्सोल्युटली. तो अब नेक्स्ट जो है ना आपकी वीडियो, ठीक है, हम दोनों फिर ये बनाएं, है ना, बड़ा मजा आएगा. अच्छा, हो गया कद्दू, हो गया टींडे, हो गया और बस मुझे सब्जियां. कद्दू, टींडे, अच्छा भिंडी और करेले तो शौकिया है ना. करेले, करेले वैसे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जिस तरह हम लोग बनाते हैं उसमें बहुत घी होता है. हाँ, कड़वे घी बहुत होता है. कड़वे तो अच्छे होते हैं. अच्छा, कड़वे तो मजे के होते हैं. जिंदगी में कड़वाहट है, करेले, खीरा, टमाटर, प्याज, साग, गर्मियों में कुल्फे का साग बहुत अच्छा होता है हमारे इलाकों में, और तोरी बहुत अच्छी है. तरें बहुत मजे की होती है. तरें आप तो अगेन गर्मी का फूड है. गर्मी के फूड से ना ज्यादा आप देखें वो गीले गीले ज्यादा होते हैं, इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि वाटर कंटेंट उनका ज्यादा होता है. तो ज्यादा अगर हम सब्जी की तरफ रहें, गोश्त का इस्तेमाल कम करें, और गोश्त मुर्गी तो बिल्कुल ना करें, हाँ, वो थोड़ा सा गोश्त करें और सब्जियां खाएं, और चलें थोड़ा एक बोटी खा लें, बहुत अच्छा लगता है. और दालें,
दालें बहुत मजे की, मसूर वो भी की सब्जियों में अलग से पतली सी दाल आप बनाए, साथ कचूमर बना लें, अपना खीरा प्याज टमाटर का कचूमर, हरी मिर्च अगर अच्छी लगती है, थोड़ा सा नींबू डाल के ऊपर, उसके साथ आप पतली सी मूंग की दाल छिलके वाली बनाए वो उसके ऊपर डालें, इतने मजे का लंच और साथ थोड़ी सी हरी चटनी। तो जनाब हमने आज डॉक्टर जैका से पूछा कि गर्मियों के अंदर बेसिकली हमें क्या ऐसी नरिशमेंट है, हर चीज जो है ना वो स्टमक से ही शुरू होती है। लोग कहते हैं कि हम मोटे हो रहे हैं, हम तो खाते भी नहीं मोटे होते, नहीं, हर चीज स्टमक से शुरू होती है। इवन आपकी जो एक्ने और पिंपल्स होते हैं उनमें भी स्टमक ही इन्वॉल्व होता है, बिकॉज स्टमक इज जस्ट समथिंग क्योंकि बाहर की एक चीज आपकी बॉडी के अंदर लेकर जा रहा है। सो वी लर्न सो मेनी थिंग्स एंड वी गॉट सो मेनी प्रोमिसेस फ्रॉम डॉक्टर जरका एज वेल, कि ये हमें और भी बहुत सारी चीजें पकाना बनाना भी सिखाएंगे, क्योंकि मेरे जैसे नलायक बंदे जो हैं तो शेफ पे बहुत डिपेंड करते हैं। आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग बाय माई ओन हैंड्स और ऐसी चीज जो मेरी स्किन के लिए अच्छी हो और उससे मैं मोटी भी ना हो। तो इंशाल्लाह सून विल बी विजिटिंग हर। थैंक यू सो मच एंड इफ यू हैव एनी क्यूरीज यू कैन ऑलवेज गूगल डॉक्टर जरका एंड यू कैन आस्क हर।